बाहर का डर है लोगों के दिल में या क्या है, लेकिन पहले से ज्यादा भीड़ देखा जा रहा है यहाँ पे, काफी लोगों की तादाद देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग मौजूद आए, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? विवेक। अलंकित का क्या हुआ? मैं अलंकित से नहीं, मैं कुमार एजुकेशन का एमडी हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो कैंप लगा हुआ है किसकी सोचा निश्चित? यह अलंकित लिमिटेड और कुमार एजुकेशन दोनों के कंबाइन से होने से। कितने लोगों को यहाँ पर आज अभी हम लोग पर डे का 100+ का टारगेट लेकर चले हैं। ऑलरेडी 300 लोगों ने वैक्सीन दे दिया है, वैक्सीन लग चुका है 300 लोगों का, और टारगेट ये है कि फ्यूचर में कम से कम 10,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। ये कब से आपका चल रहा है? ये लगभग 10 दिन से हम कार्यक्रम ये हम लोग चला रहे हैं सरकार की तरफ से। जी, कहाँ कहाँ इस तरह कैंप आप लोग लगा? हम लोग लगभग हर एक वार्ड में, जहाँ भी वार्ड पार्षद जहाँ के एक्टिव हैं, जिनसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, नोडल ऑफिसर और सिटी मैनेजर के थ्रू हम लोग ये वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। और भी मेरे साथ अधिकारी है, कार्यकर्ता है, जो भी यहाँ मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं इनका। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम इरशाद है, मैं अलंकित लिमिटेड से हूँ। हमारी कंपनी के द्वारा भारत का स्वदेशी निर्मित और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा फ्री का वैक्सीन दिया जा रहा है सभी लोगों को। इसमें युवाओं हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, ये सब को इसमें वैक्सीन दिया जा रहा है। कौन कौन सा यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है? अभी ये कोविशील्ड का दिया जा रहा है, अभी ये किसी का अभी पहला डोज, सभी लोगों के लिए ये पहला डोज ही चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि टीकाकरण हम लोग लगाएंगे ही, सभी ये जड़ से ही जाएगा बीमारी। कितने लोगों को आपके अलंकित उसके द्वारा कहाँ कहाँ इस तरह का कैंप आप लोग लगा रहे हैं? अभी तो हमारा ये शुरुआत हुआ है आज के ही शेड्यूल के कारण, ठीक है। आने वाले समय में ये बढ़ चढ़ का हिस्सेदारी होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये वीर बता रहा है कि आने वाले समय में हम लोग हर क्षेत्र में काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन होगा। हम लोग को शुरू में 1,000 का टारगेट लेकर चले थे, लेकिन ऐसा भीड़ देख के लग रहा है आने वाले समय में ये लाखों तक जाएगा, और जल्द से जल्द हम लोग पटना हो चाहे पूरे बिहार के लिए ये हम लोग एक अपना अनुदान देके छोड़ेंगे। सरकार से आप लोगों को क्या क्या सहयोग है? सरकार से तो यही सहयोग है कि थोड़ा हम लोगों के साथ जहाँ जहाँ से जरूरत होगा वो बताएं, हम लोग सारे जगह अवेलेबल कराएंगे। आपकी कितनी टीम यहाँ पे लगी हुई है इसका? सुबह से हमारी टीम यहाँ से 10 से 15 लोग लगे हुए हैं। अब भीड़ बढ़ेगी तो हम लोग और टीम बढ़ाएंगे, और ये भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हम चाहेंगे कि और अच्छे से सबको टोकन वाइज दें, ताकि सभी लोगों को पूरे लोग ले पाए। आपका क्या? मेरा नाम गौतम कुमार वर्मा। आप किस से? मैं अलंकित से, सीनियर सिटीजन। अलंकित के द्वारा जो लगाया जा रहा है ये सरकार के सौजन्य से के साथ लगाया जा रहा है? जी, अलंकित द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगे। ये कैंप कब तक आप लोग चलाने का इरादा रख रहे हैं, या फिर कितने लोगों को कुछ टारगेट था आप लोग? टारगेट तो ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1,000 लोग। लोगों को जागरूक कैसे कर रहे हैं टीका? जबकि टीका PM द्वारा फ्री में मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि घर घर द्वारा किसी घर को बताया जाए कि यहाँ पे फ्री में टीका मिल रहा है, वो यहाँ पे टीका। हम लोग को जैसे वोट देने के लिए हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेते हैं, तो टीका भी हमारे लिए एक भाग का काम कर रहा है कि हम लोग इसे बढ़ चढ़ के भागीदारी लें, ताकि सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है। अगर हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे सफल अच्छे तरीके से, तो सरकार पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि विपक्षी दल बहुत सारे आजकल सवाल उठाते हैं कि सरकार ने किया ही क्या है।